हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ब्यूटी पार्लर चैनल में स्वागत है। मेरा नाम नीरज मौर्य। आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बौद्ध धर्म पे, ठीक है। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे मैं थोड़ी मोड़ी स्टोरी के साथ आपको पूरे फैक्ट्स क्लियर करूंगा। और ये जो वीडियो है ये आपके वन डे एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि जितने भी फैक्ट्स है वो एकदम सही है और थोड़े से टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स देने की कोशिश करूंगा। भाई जब मैं आपको बता दूं, बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जीके जीएस और रीजनिंग मैथमेटिक्स वन डे एग्जाम्स के लिए, बीएचयू एंट्रेंस के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप प्लीज नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। तो ज्यादा टाइम नहीं लॉस करूंगा, सबसे पहले मैं लेक्चर पे आता हूं अपने और फिर और बातें होती रहेंगी। तो ये जो टॉपिक है ये है बौद्ध दर्शन, ठीक है, या फिर बौद्ध धर्म। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो कौन है, गौतम बुद्ध है। तो अब जैन की तरह यहाँ पे बहुत सारे तीर्थंकर नहीं है, यहाँ पर बौद्ध धर्म में बस एक ही लोग थे, गौतम बुद्ध, और उन्होंने इस धर्म को चलाया है। तो जो भी फैक्ट्स हैं जाहिर सी बात है वो किससे रिलेटेड होगा, गौतम बुद्ध से रिलेटेड होगा। तो जो सबसे पहला इनका मैं इंट्रोडक्शन कराते चलता हूँ। तो जो इनका जन्म हुआ है वो हुआ है 563 BC में, ठीक है, 563 BC बिफोर क्राइस्ट में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है, और जो राज्य है वो है कपिलवस्तु। लुम्बिनी गांव का नाम है और कपिलवस्तु राज्य का नाम है, ठीक है। और ये पड़ता कहां है, नेपाल के तराई में, ठीक है, यहां तक हो गया, नेपाल की तराई में। अब आगे चलते हैं, तो इनके जन्म का जो स्रोत है वो कहां पता चलता है, पता चलता है अशोक के रुमिन देई स्तंभ अभिलेख से, ठीक है। अशोक के रुमिन देई अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था। जो इनकी मृत्यु हुई है वो हुई है 483 BC में इनकी मृत्यु हुई है, और किस दिन हुई है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। मैं आपको बता दूं कि जो इनका जन्म हुआ है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। मीन्स इनके जीवन के तीन महत्वपूर्ण जो इंटरचेंजिंग ऑफ लाइफ डे था वो वैशाख पूर्णिमा ही है, इनका जन्म, इनकी मृत्यु और इनकी ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। और ये इनकी जो मृत्यु हुई है कहां पे, कुशीनारा वर्तमान में कुशी नगर बोला जाता है, और ये पड़ता कहां है, उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और मैं आपको बताऊं आगे चलते हैं, तो इनकी जो मृत्यु हुई है वो 80 वर्ष में हुई है, और इनका जो कुछ इंपॉर्टेंट और नाम है इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और इन्हें यथागत भी बोला गया है, इनको गौतम भी बोला गया है, इनको बुद्ध भी बोला गया है, इनको जिन भी बोला गया है। लेकिन ये सभी नाम इनके जीवन के अलग अलग स्टेज पे बोला गया है। जैसे कि मैं बताऊं, इनको बुद्ध बोला गया है ज्ञान प्राप्ति के बाद। जिन का मतलब होता है जो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कर ले, मीन ये भी ज्ञान प्राप्ति के बाद। और फिर ए है लाइट ऑफ एशिया, इनको लाइट आर्ट मतलब एशिया का पुंज भी, प्रकाश पुंज भी बोला गया है। और एक फेमस किताब भी है, अरनाड साहब की किताब है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत फेमस किताब है कि लाइट ऑफ एशिया का राइटर कौन है, एडवर्ड अरनाड, ठीक है। पिता, इनके पिता का नाम सुधोधन, ठीक है, इनके पिता का नाम सुधोधन है। इनकी माता का नाम महामाया, और इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी। मैं आपको बता दूं कि इनकी जो मम्मी है, और इनके जन्म के सातवें दिन इनकी मम्मी का डेथ हो जाता है, तो इनकी जो पालन करने वाली मम्मी है मतलब माता है वो है महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। और इनके भाई का नाम है नंदी, और इनकी बहन का नाम है नंदा, ठीक है। और इनका एक चचेरा भाई भी था, उसका नाम था देवदत्त। नीचे तो नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या नाम है, देव, ठीक है। तो देखिए, और आपने बचपन में सुना भी होगा सिद्धार्थ, जो कि इनके बचपन का नाम है, सिद्धार्थ और देवदत्त की स्टोरी सुना होगा, जो हंस वाला एक बड़ा इमोशनल स्टोरी है, तो वो इसी देवदत्त और सिद्धार्थ से रिलेटेड है। तो देवदत्त इनके चचेरे भाई थे, ठीक है। और अब हम लोग इस टाइम बात करेंगे, इतना कंफर्म हो गया है। और तो इनकी पत्नी पे आते हैं, इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। इनके लड़के का नाम है राहुल, ठीक है।
और जब इनकी शादी हुई थी तो इनकी आयु थी 16 साल। देखिए इनके आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके किस आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्होंने घर किस एज में छोड़ा, इनकी शादी किस एज में हुई, मृत्यु कितने एज की हुई, तो ये सब चीजें इनसे थोड़ी मोड़ी रिलेटेड पूछी जाती है। ठीक है, तो जब इनकी शादी हुई थी उसमें इनकी एज कितनी थी, 16 ईयर्स। अब मैं बात करता हूँ इनके गुरु के बारे में। अक्सर क्वेश्चन आता है इनके पहले गुरु कौन थे, दूसरे गुरु कौन थे, प्री शिष्य कौन था, प्री शिष्या कौन थी, और इस टाइप से क्वेश्चन। तो इससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं उस पर लिख रखा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। तो जिनके पहले गुरु है इनका नाम है अलार कलाम, जो कि वैशाली के थे। ठीक है, अलार कलाम ये सांख्य दर्शन के आचार्य भी थे। अभी मैं बताऊंगा इस स्टोरी की इनको कहां मिले थे। तो इनके जो पहले गुरु है आप सुनो कीजिए, अलार कलाम वैशाली के सांख्य दर्शन के आचार्य थे। जो इनके दूसरे गुरु थे उनका नाम था रुद्र कलाम पुत्र, राजगिरी में इनको मिले थे। इनका नाम है रुद्रक राम पुत्र। ठीक है, ये राजगिरी में इनको मिले थे। फिर इनके में कुछ 5 शिष्य इनके माने जाते हैं जिनको इन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया था। ठीक है, उनका नाम है कौंडिन्य, नोट कीजिए, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। ये 5 इनके शिष्य हैं जिनको उन्होंने एक दफा बैठा के पहली बार इनको क्या किया था, अपना उपदेश दिया था। लेकिन इनकी जो क्वेश्चन अगर आता है कि प्रथम शिष्य कौन थे, अगर प्रथम शिष्य की बात करें तो इनकी मौसी मीन्स इनकी पालन करने वाली मम्मी महा प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, और इनके प्रिय शिष्य भी कुछ थे जिसमें से 2 लोग का बहुत नाम फेमस है, उपाली और आनंद। उपाली जो थे, उपाली इनके ही राज में मतलब इनके दरबार में नाई का काम किया करते थे, मतलब आप इनको बोल सकते हैं कि कुल नाई, जो कि कई इनके राज्य में नाई हुई का काम किया करते थे, जो भी राजघराने में लोग थे उनका बाल कुल काटा करते थे। तो प्रिय शिष्य आनंद और उपाली। ठीक है, और इनकी कुछ शिष्याएं का नाम नोट कर लीजिए, तो मैं बताऊंगा यशोधरा जो इनकी पत्नी है। देखिए सबसे पहले इनके फैमिली में ही इनके अनुयायी बने, जैसे इनकी बहन, इनकी मम्मी मींस इनकी मौसी, और इनका जैसे यशोधरा इनकी पत्नी, अम्रपाली के नगरवधू थी। ठीक है, अम्रपाली की स्टोरी बहुत फेमस है, कभी मैं आपको किसी दूसरे लेक्चर में, अभी वीडियो बहुत लंबा है, हो सकता है कई पार्ट्स में जाए, तो किसी न किसी पार्ट्स में मैं इन सब चीजों को रिलेट कर लूंगा। ठीक है, फिर देखिए यशोधरा हो गया, अम्रपाली हो गया, मल्लिका हो गया, समावती, नंदा जो इनकी ही बहन है। ठीक है, ये इनकी कुछ फेमस शिष्याएं हैं। ठीक है, और शासक शिष्य मतलब जो शासक अनुयायी थे उस समय के, उनके नाम में देख लीजिए क्या है, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, उदयन और प्रसेनजीत। ठीक है, ये कुछ इतने अनुयायी हैं, शासक हैं, जो कि बौद्ध धर्म को आगे भी ले गए काफी और बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित भी थे। ठीक है, जैसे कि अशोक से तो आपका बहुत ही फेमस, बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने का श्रेय तो अशोक को ही जाता है। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक, बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। लेकिन कभी भी क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज कर सकता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, तो मैं बता दूं वो जीवन के अपने अंत समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, लेकिन अशोक उसी राजवंश के तो थे, लेकिन इन्होंने जैन धर्म नहीं फॉलो किया था, इन्होंने बौद्ध धर्म फॉलो किया था। ठीक है, फिर आगे है कनिष्क, उदयन, प्रसेनजीत हो गया। अब इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता है कि इनके घोड़े का नाम क्या था, तो इनके घोड़े का नाम कंदक या कंथक। ठीक है, कंदक या कंथक इनके घोड़े का नाम है। यहां से क्वेश्चन आता है, और जब घोड़ा होगा तो रथ होगा, और रथ होगा तो रथ चालक होगा मीन सारथी। तो इनके सारथी का नाम था छंदक या चन्ना, चन्ना नाम आप सुने होंगे, छंदक या चन्ना। और मैं आपको बता दूं कि बचपन में जब इनका एज था 29 साल। ठीक है, ऐसे ही इनका जन्म में भी बहुत सारे कहानियां जुड़ी हुई हैं कि ये ऐसे थे, उस दिन बहुत अजीब सा मौसम बन जाता है, उनकी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी तो उनके सपने में हाथी आया था, ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सपने में कौन आया था, तो हाथी आया था। तो प्रोफेसी बहुत सारी भविष्यवाणी हुई थी कि ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का लड़का होगा, और जाहिर सी बात है हुए भी, इतना बड़ा धर्म का स्थापना हुआ जो कि आज इतना फेमस है।
तो खैर बात करूंगा कि जब ये 29 साल के हुए तो यही इनका जो सारथी है चन्ना और इनको छंदक नामक घोड़े के साथ इनको सैर पे ले चलता है, जहां से इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो बदलाव ये था कि इन्होंने 1, 2, 3, 4 पूछा जाता है इनके जीवन में चार ऐसे लोगों को इन्होंने उस शहर में देखा, अपने राज्य में चार लोगों को देखा जहां से इनका जीवन बदल जाता है। तो सबसे पहला इंसान जो था वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं और चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है, तो बताते हैं कि ये एक बूढ़ा आदमी है और उनको देख के बहुत जर्जर शरीर उसका, बहुत दया आता है। फिर एक बीमार इंसान को देखते हैं तो पूछते हैं, चन्ना बताते हैं कि एक बीमार इंसान है। फिर एक मरे हुए इंसान को 100 यात्रा जा रही थी उसको उन्होंने देखते हैं। फिर एक सन्यासी को देखते हैं जो कि एकदम निश्चिंत होकर जीवन यापन कर रहा होता है, जिससे कोई मतलब नहीं होता है इस दुनिया से। ये चार चीजों को देखने के बाद इनको जीवन का एक दूसरा लेवल समझ में आता है कि शायद जीवन की सच्चाई ये नहीं है, इनको ज्ञान की खोज करनी चाहिए कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी। इसके बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, गृह त्याग कर दिया, मीन्स अपना राज्य छोड़ देते हैं। और महाभिनिष्क्रमण इस इवेंट को बोला जाता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि गौतम बुद्ध के घर के छोड़ने को क्या बोला जाता है, गृह त्याग को क्या बोला जाता है, तो आंसर क्या होगा, महाभिनिष्क्रमण, जो कि 29 वर्ष की आयु में किए थे। और उस दिन जो दिन था वो था पूर्णमासी का दिन। ठीक है, 27 दिन तक फिर देखिए क्या होता है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम वैशाली, यहां से घर छोड़ के जाते हैं वैशाली आचार्य अलार कलाम के पास, यहां पे दीक्षा लेते हैं, लेकिन इनसे संतुष्ट नहीं होते। ठीक है, फिर उसके बाद वो जाते हैं रुद्रग्रामगुप्त के पास, ठीक है, राजगिरी, यहां पे इनसे शिक्षा लेने के बाद भी इनको संतुष्टि नहीं मिलती है। वही यहां पे मैंने लिखा है कि 27 दिन तपस्या के 5 शिष्यों के साथ, ये 5 शिष्य कौन थे, यही थे कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा और असागी, ये 5 इनके शिष्य थे जिनके साथ ये 27 दिन तक तपस्या करते हैं। लेकिन तपस्या करते करते इनका जो शरीर था बहुत जर्जर हो जाता है, और फिर एक सैनिक की पुत्री होती है सुजाता नाम होता है, वो आके इनको खीर खिला देती है, जिससे पांचों शिष्य जो होते हैं वो इनसे निराश हो जाते हैं कि मतलब तपस्या ऐसे नहीं की जाती है, उसमें आपको क्या होता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने अपनी स्थिति देखकर उन्हें लगा कि जरूरी नहीं है कि तपस्या में हम भोजन ही त्यागे, ऐसा उनका विचार आया और सुजाता नामक पुत्री द्वारा खीर लाए जाने को ये खा लेते हैं, और ऐसे में पांचों शिष्य इनको छोड़ के चले जाते हैं। अगला इवेंट है संबोधि ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, फिर जब वो चले जाते हैं तो इनका 6 वर्ष ऐसे इधर उधर गुजरता है। फाइनली ये 35 वर्ष की अवस्था में बताया जाता है कि शायद 6 या 7 दिन है, मैं आपको बताता हूँ, 7 दिन की तपस्या के पश्चात 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन थी। ठीक है, जैसा मैंने आपको बता रखा है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन 7 दिन की तपस्या के बाद 8वें दिन इनको संबोधि मीन्स ज्ञान प्राप्ति होता है। ठीक है, और 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध कहलाए, मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक इनका नाम क्या हुआ करता था, सिद्धार्थ या गौतम, सिद्धार्थ इनको बोला जाता था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका पूरा नाम हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक है, जो स्थान था इनके ज्ञान प्राप्ति का वो था बोध गया, ये गया था इनके ज्ञान प्राप्ति के बाद इसको बोध गया बोला जाने लगा। ये पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति किए थे और अब इस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष बोला जाने लगेगा। और जो एक प्लेस है बोध गया, ये निरंजना नदी के किनारे है, जो कि अभी वर्तमान में फाल्गुन नदी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बोध गया किस नदी के किनारे है, तो निरंजना नदी के किनारे है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, फाल्गुन नदी है। फिर और हाँ, जो वहां पे स्मृति बना हुआ है वो है बोधि मंदिर, जिसका नाम है महाबोधि मंदिर। तो इस तरीके से कुछ इतने इवेंट्स मैं आपको इंट्रोड्यूस कराया हूं, और अभी इसके बाद मैं चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम बात करेंगे प्लेस वाइज कुछ बौद्ध धर्म में किस किस स्थान पे कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं और कौन से स्थान पे कौन से शिष्य मिला है, इस बारे में बात करेंगे। तो वाराणसी में सारनाथ एक प्लेस पड़ता है। ठीक है, ये हम मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य दिया था, किसको दिया था, वो मैं जो इसके पहले बताया था, 5 शिष्यों को अपने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे वाराणसी जब आते हैं तो यहाँ पे एक रईस इंसान, मतलब आप धनिष्ठ बोल सकते हैं, उनका लड़का जिसका नाम यश था, ठीक है, वो इनका यहाँ पे पहला शिष्य बनता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्थापना की क्या, वाराणसी में संघ की स्थापना की थी,
इन्होंने जब वाराणसी गौतम बुद्ध आते हैं तो यहाँ पे एक संघ की स्थापना करते हैं जिसमें उस समय शिष्यों की संख्या 60 थी, ठीक है, और उसकी सदस्यता मेंबरशिप लेने के लिए जो एज रखी गई थी वो 18 इयर्स थी, ठीक है, और जो उस जो संघ था उसका जो उद्देश्य था वो था बहुजन हितार्थ बहुजन सुखार्थ, ठीक है, और सारनाथ ही पड़ता है वाराणसी में जो वहां पे पहला उद्देश्य दिया था। तो ये कुछ प्लेस वाइज कुछ इवेंट्स जो खास आपको याद रखने हैं। फिर बात करूंगा वैशाली, वैशाली में जो इनको शिष्य मिलता है उसका नाम आनंद है, ठीक है, और आनंद इनका प्रीशिष्य भी है, मैंने इसके पहले बताया, ठीक है। तो आनंद जो है ये गौतम बुद्ध से कई बार मतलब रिक्वेस्ट करता है कि संघ में जो संघ है इसमें महिलाओं को भी एंट्री दी जाए, ठीक है। बाय द वे अगर मैं बात करूं कि पहला महिला कौन शिष्या बनी जो कि संघ में आई तो वो है इन्हीं की मौसी महामाया गौतमी, ठीक है, और दूसरा इनकी यशोदा इनकी पत्नी और फिर अम्रपाली वैशाली की नगरवधू, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा कौशाम्बी की। देखिए कुछ खास प्लेस है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, चार ऑप्शंस रहेंगे वहां पे, एक हो सकता है आपका मेरठ हो और एक आपका हो सकता है कौशाम्बी हो, दूसरा आपका हो सकता है कुशीनगर हो सारनाथ हो, कौन इसमें से नहीं है तो मेरठ नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा स्थान जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है या नहीं है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है या नहीं है। तो कौशाम्बी में जो इनका शिष्य बनता है वो है उदयन, ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि उदयन को जो मतलब दीक्षा देने मतलब जो जो रिक्वेस्ट किया कि आप बौद्ध धर्म स्वीकार कर लीजिए उसका नाम था पिंडोला भारद्वाज। पिंडोला भारद्वाज के कहने पे उदयन जो था जो कौशाम्बी का राजा था उसने सदस्यता ग्रहण की थी गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का सदस्यता ग्रहण की थी। फिर एक प्लेस है श्रावस्ती। श्रावस्ती के बारे में बताऊं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है बौद्ध धर्म का उपदेश है, गौतम बुद्ध का सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था और यहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा अपना टाइम भी दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद 21 साल, यहां पर इन्होंने 21 इयर्स अपना दिया था गौतम बुद्ध ने। यही श्रावस्ती में इनको मिलता है, श्रावस्ती थोड़ा सा उस समय जंगल एरिया अभी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। तो अंगुलीमाल, अंगुलीमाल की कहानी आप सुनी भी होंगे कि वो डाकू था और लूट के उंगलियां काट के पहन लेता था, ऐसा सुनने में था। तो अंगुलीमाल को एक कन्वेंस करते हैं, उसको भी अपना उपदेश देते हैं और वो सुधर जाता है और फाइनली वो संघ में शामिल हो जाता है। तो एक प्लेस है अगर क्वेश्चन आए उंगलीमान रिलेटेड कौन से स्थान से रिलेटेड है तो श्रावस्ती से रिलेटेड है और इसको गौतम बुद्ध संघ में शामिल करते हैं। फिर एक प्लेस है कुशीनगर। देखिए महत्वपूर्ण प्लेस पर मैं बात कर रहा हूँ कुशीनगर। तो कुशीनगर में जो इनका शिष्य बना सुभद्र, ठीक है, सुभद्र के बारे में आपको बताऊं कि सुभद्र इनका कौन था अंतिम शिष्य था और अंतिम शिष्य बोले तो अंतिम ज्ञान प्राप्त वाला मीन सबसे अंतिम बार जो ज्ञान दिए थे सुभद्र को दिए थे और कौन सा ज्ञान दिए थे इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो फिर से बनाऊंगा कि वो पावा से आए और कुशीनगर में फिर इनकी डेथ होती है, पावा में इनके साथ कौन सा इवेंट होता है, कौन सी ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जिससे कि इनके साथ ऐसा हो जाता है। तो सुभद्र को इन्होंने बहुत बेहतरीन एक समझ सकते हैं कि फिलोसफी के संदर्भ में एक लास्ट टाइम उन्होंने जो एक अपना ज्ञान दिया है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है किसी के लिए और इस दर्शन के लिए, बौद्ध दर्शन के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। फिर कुशीनगर में ही है, कुशीनगर से रिलेटेड इनका इवेंट है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब इनके शरीर को त्यागना, ठीक है, शरीर को त्यागना को जो इवेंट है उसको बोला गया महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण और धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ये कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड है और आपसे पूछा जाता है, मैं वीडियो में आपको बताया भी। तो प्लीज आप उस चीज को दिमाग में बैठाए रखिए कि कौन सा इवेंट कब किस नाम किस इवेंट पे कौन सी घटना को नाम दिया गया है, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण जो रिलेटेड है कुशीनगर से है और इसका मतलब होता है देह त्यागना, शरीर त्यागना। एक जयंती मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है, नेशनल हॉलीडे भी सेलिब्रेट होता है इस दिन। बुद्ध पूर्णिमा का मतलब है वही वैशाख पूर्णिमा, कहने का मतलब ये है इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा और
मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा, ये तीनों ऐसा कॉन्सिडेंट हो जाता है कि तीनों इवेंट वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप याद रखिएगा कि बुद्ध पूर्णिमा किससे रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। वैशाख पूर्णिमा किससे रिलेटेड है, तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा त्यौहार है इनका, बौद्ध धर्म का। फिर बुद्ध के उपदेश, ठीक है, इनके उपदेश बारे में जानते हैं। By the way, जो अभी मैं इस बार वीडियो लिख के ले आया हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको कम इम्पोर्टेंस दिखेगा, लेकिन इसके बाद में जो इवेंट चीज बताने वाला हूँ वो बहुत, जैसे कि शुद्ध पीतक, बिना पीतक, महायान, हीनयान, इन सब बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो फिर है बुद्ध के उपदेश, इनका जो उपदेश था वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता, ठीक है, मीन्स अपने अंदर प्योरिटी लाने की बात कर रहे थे। और जो उपदेश का भाषा था, क्वेश्चन ऐसे भी आता है गौतम बुद्ध के उपदेश का लैंग्वेज क्या था, तो पाली। फिर मैं कुछ सार्ट आउट किया हूँ नोट्स जो कि बताया उसी से, थोड़ा इसको जल्दी जल्दी समझते हैं। तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, कोसल राज्य का क्षेत्र था। प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम, ठीक है, ये सारनाथ में है, ठीक है। फिर अंतिम उपदेश कुशीनगर में, और इनमें इनकी मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्ह, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल एग्जाम वाइज डिपेंड करता है आप कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। यूपीपीसीएस का देने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे प्लेसेस हैं, तो गौतम बुद्ध से क्वेश्चन बनाएंगे, तो डीप क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप इसको जाहिर सी बात इस वीडियो के से देख के आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो गौतम बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्ह में जैसे गर्व, मैं आपको स्टोरी बताया कि जमीन की माता यशोधरा जब प्रेग्नेंट थी तो उस दरमियान के सपने में हाथी दिखता है, तो वहां पे प्रोफेसी होती है कि जरूर आपका लड़का बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का होगा, बहुत ही तेजस्वी होगा, ऐसा। तो गर्भ वाले प्रतीक चिन्ह जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है उसको हाथी की संज्ञा दी गई है। जन्म कमल से रिलेटेड है, ठीक है। कमल का मतलब होता है जो मतलब अभाव में रहके या फिर जो कीचड़ में रहके अपनी सुंदरता को बिखेरे, ठीक है। गृह त्याग घोड़ा, क्योंकि इनके घोड़े का नाम कंथक था और ये घोड़े से चलना सार्थक सारथी जो था इनको महाभिनिष्क्रमण घर छोड़ने को बोला गया है, तो लेके चला जाता है ऐसे। ज्ञान पीपल, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसको बोधि वृक्ष भी बोला जाता है, तो पीपल का। कभी कोई सब पूछा जाता है कौन सा पेड़ था, तो पीपल का पेड़ था। प्रथम प्रवचन, जो प्रथम उपदेश सारनाथ में थी उसको क्या बोला गया, तो धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, उसका जो सिंबल है चक्र है। फिर निर्वाण, निर्वाण का है पदचिन्ह, उनके दो पैर होंगे तो उसका निर्वाण का सिंबल है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो आप अभी बने रहिए वीडियो पे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। अब देखिए इनसे मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अब धर्म को हम दर्शन के रूप में देख के थोड़ा समझेंगे, ठीक है। और यहां से भी क्वेश्चंस आएंगे, जाहिर सी बात है मैं बोला कि ये जो लेक्चर होगा थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन मैं छोटे सी लेक्चर में लगभग बौद्ध धर्म के सभी पॉइंट्स को डालने की कोशिश किया हूं, इसीलिए थोड़ा सा बोरिंग हुई लग सकता है आपको। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत में त्रिरत्न का नाम आता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि त्रिरत्न ऑप्शन होगा, शायद चार ऑप्शन हो, बुद्ध धर्म संघ और एक और कोई ऑप्शन दे सकता है आपका, समुदाय दे दिया, ठीक है, या संकल्प दृष्टि व्यायाम कुछ भी दे दिया, तो आपको बताना रहेगा त्रिरत्न कौन नहीं है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है वो है, एक मिनट, वो है आपका पहला बुद्ध, दूसरा धम्म और संघ। यहां पे बौद्ध धर्म में धर्म को धम्म बोला गया, ये धर्म ही है, यहां पे इनको धम्म की संज्ञा दी गई है। फिर इनके सिद्धांत में आता है चार आर्य सत्य। एक्चुअली गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति है ये यही है, उनका कहना है कि दुख है, ठीक है, फिर दुख समुदाय, फिर दुख निरोध, फिर दुख निरोध गामिनी, मतलब सर्वज्ञ दुख है, दुख समुदाय, फिर दुख निरोध गामिनी, मतलब उसका सल्यूशन। तो ये चार आर्य सत्य, क्वेश्चन आता है कितने आर्य सत्य थे, तो चार आर्य सत्य थे, ठीक है। और इस लास्ट वाला जो है कि उसका सल्यूशन है, दुख निरोध का सल्यूशन है, मतलब समाधान है, दुख का समाधान है, तो उसको उन्होंने समझाया है अपने अष्टांगिक मार्ग में। अष्टांगिक मार्ग में टोटल आठ ऐसे आयाम है, ठीक है, एट नाम ही इसका अष्टांगिक मार्ग, आठ ऐसे मार्ग है जिससे आप अपने दुख को दूर कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से मार्ग हैं। तो पहला है सम्यक दृष्टि, मतलब सम्यक मतलब समान, ठीक है, समान दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म,
सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपके 8 अष्टांगिक मार्ग के आयाम हैं, जिससे अपने दुख को दूर कर सकते हैं। ठीक है, खैर ये फिलोसफी का क्लास होता है, मैं आपको इसको डिटेल में बताया था, लेकिन अभी मैं आपको बस वन डे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर त्रिपिटक, एक्चुअली गौतम बुद्ध का जितना भी ज्ञान था वो इनके साहित्य त्रिपिटक में, मतलब ये बौद्ध ग्रंथ है। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिपिटक क्या है, जो एक बौद्ध ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ में उनके पूरे ज्ञान को रखा गया है। ठीक है, अब मैं बताऊं कि जब इनकी मृत्यु जाती है, गौतम बुद्ध की मृत्यु जाती है, तो इस बौद्ध ग्रंथ को, त्रिपिटक को, तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला है विनय पिटक, दूसरा है शुद्ध पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, और तीनों जो इसके पार्ट्स हैं, जैसे मैं बीजक का नाम लूं, कबीरदास की संकलित मतलब रचना है बीजक, उसके तीन भाग है, साखी सवद रमेणी, वैसे ही समझ लीजिए त्रिपिटक के भी तीन भाग है। तो जो बिना पिटक है उसमें संघ का नियम, ठीक है, गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी, कहां पे की थी, मैं आपको बताया कि वाराणसी में किया था। ठीक है, तो बिना पिटक में संघ के नियम रखे गए थे, जिसको संकलन करता उपाली को बताया जाता है। उपाली कौन था, उपाली इनका प्रीशिष्य था और आनंद इनका प्रीशिष्य था। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि इनका प्रीशिष्य कौन था, तो उपाली और आनंद। शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांत बताए गए, आनंद ने इसको संकलित किया, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत, मतलब इसके आइडियोलॉजी, फिलोसफी, बौद्ध धर्म के इसमें डाले गए। तो इस तरीके से अब अगर बौद्ध धर्म में कोई चीज मेरा रिमेन है, तो मैं समझता हूँ बस वो एक पॉइंट रह गया कि जो बौद्ध संगति हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं और कौन उसका अध्यक्ष था और कौन शासनकाल था, किसका शासनकाल था, ये एक पॉइंट मेरा छूटेगा। तो मैं इस पॉइंट को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रीवियस वीडियो में इस